बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आज आपके सामने फिर एक और नई कहानी लेके आई हूँ मेरी रेडियो कहानी पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रह्म राक्षस की कहानी। हाँ, ब्रह्म राक्षस का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनकी उस ब्रह्म राक्षस की कई मजेदार कहानियाँ हैं, उसमें से एक कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, एक बार एक लड़का अपनी पढ़ाई के लिए शहर को जाता है और वह अपने रहने के लिए कहीं घर ढूंढ रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि एक कोई सा घर खाली है जो कि उसके बजट में रहता है। वह उस मकान घर के मालिक से मिलता है, मकान मालिक से, और उस घर के बारे में पूछता है। तभी वह मकान मालिक बोलता है कि हाँ आओ आओ, यह घर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। वह घर भरा धूल से भरा हुआ होता है और थोड़ा सा खंडहर सा रहता है, लेकिन वह उस घर को लेने के लिए तैयार हो जाता है। वह कई सालों से बंद रहता है। वह उस घर में जाकर साफ सफाई करता है और सारा सामान अपना जो लाया होता है वह जमा लेता है। अब वह उस घर में रहना शुरू कर देता है। वह एक पढ़ाई करने वाला अच्छा बच्चा होता है। जब वह घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आता है, तब वह अपने लिए खाना भी खुद ही बनाता है। एक बार उसका कुछ अच्छा खाने का मन करता है तो वह सोचता है क्या बनाऊं, हाँ हलवा ही बना लेता हूँ। तब वह अपने लिए बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाता है। चारों ओर घी की सुगंध फैल जाती है। जब वह हाथ मुंह धोकर वह हलवा खाने के लिए जाता है तो वहां से हलवा गायब होता है। वह सोचता है अरे यह हलवा कहाँ गया, वहां पर तो कोई बिल्ली के आने का रास्ता भी नहीं होता है, न कोई ऐसी जगह जहाँ से कोई उसे आकर खा ले। अब वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह हलवा किसने खाया, यहाँ तो और कोई है ही नहीं। जब वह कुछ भी नए पकवान बनाता और वो गायब हो जाते, उसे तो डर लगने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर यह अच्छे अच्छे पकवान जो मैं बनाता हूँ वह जाते कहाँ हैं। वह उसने घर के बारे में पहले ही पुरानी बातें सुन रखी होती है कि इस घर में कोई राक्षस रहता है, तभी यहाँ पर कोई इतने समय से रहने नहीं आया। वह यह सब सोचकर डर जाता है और तुरंत घर खाली करने का सोचने लगता है। तभी उसके सामने एक आदमी प्रकट होता है। वह अचानक से डर जाता है। तब वह राक्षस बोलता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा नाम ब्रह्म राक्षस है और मैं ही इस घर में रहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे दोस्त बन सकते हो। मैं तुम्हारी पढ़ाई में भी तुम्हारे लिए मदद करूंगा। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो और हमेशा अपने पढ़ाई में ध्यान लगाते हो और फालतू की बातों में तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वह उसके साथ रहने को कहता है। तब वह जो लड़का रहता है वह मान जाता है कि ठीक है। तब वह कुछ भी अच्छी चीज बनाता तो वह दोनों मिलकर खाते। इस तरह से वह दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और ब्रह्म राक्षस उसकी हर कार्य में सहायता करने लगा, यहाँ तक कि पढ़ाई में भी। और जब वह उसे कुछ भी मुश्किल आती तो वह उसकी सहायता करता था। तो देखा बच्चों, किस तरह से ब्रह्म राक्षस ने उसकी सहायता करी, क्योंकि वह एक अच्छा और समझदार लड़का था। इसी तरीके से अगर हम अपना काम समय पर और ईमानदारी से कर लेते हैं तो सभी हमारे दोस्त बन जाते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्म राक्षस भी, और हर कोई हमारी मदद करने लगता है। इसलिए आप अच्छे बच्चे बनिए और पढ़ाई में मन लगाइए तो सब आपकी मदद करेंगे। ऐसी अच्छी जानकारी के साथ मैं नई कहानी लेकर आऊंगी। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।